नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां रेलवे की पटरी टूटने के बावजूद कई ट्रेनें वहां से गुजर गईं। इस दौरान जब पेट्रोलिंग कर रहे लाइनमैन को यह पता चला तो उसने तत्काल सूचना देकर आने जाने वाली ट्रेनों को रुकवाया और साथ ही साथ उसका मरम्मत का कार्य हुआ। पूरी घटना बताते हैं। राजधानी लखनऊ के कनकहा और निगोहा रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे लाइन का एक हिस्सा टूट गया, जिसके बाद एक बड़ा रेस हादसा होते होते बचा। लेकिन इसके बावजूद भी लखनऊ और वाराणसी से लखनऊ जा रहे इंटरसिटी, लखनऊ से वाराणसी जा रहे इंटरसिटी इस बीच गुजर गई। वहीं पेट्रोलिंग कर रहे लाइनमैन की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं स्टेशन मास्टर की लापरवाही, कनकहा स्टेशन मास्टर की लापरवाही दिखी, क्योंकि लाइनमैन के फोन करने के बाद भी जब फोन नहीं उठा तो मास्टर को फोन करके सूचना दी इस इधर से निकलने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया जाए। लगभग 1.5 घंटे बाद पटरी को दुरुस्त किया गया, रेल यातायात बहाल हुआ। पटरी टूटने की वजह से लगभग आधा घंटा ट्रेनें विलंब रही। आपको बता दें कि सब अभी कल ही निगोहा रेलवे स्टेशन का DRM द्वारा निरीक्षण किया गया था। इसके बावजूद कनकहा रेलवे मास्टर बेपरवाह दिखाई दिए। सवाल ये उठता है कि क्या लाइनमैन के फोन करने के बावजूद इसकी जरूर देख नहीं गई, और उसके बावजूद सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे ही लापरवाही होती रहेगी। बताते चलें कि पूरे भारत में करीब सैकड़ों ट्रेन हादसे हो गए हैं, वहीं राजधानी लखनऊ में एक बड़ा ट्रेन हादसा आज टला है लाइनमैन की जो कोशिश थी उसकी वजह से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल सबसे तेज न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश विदेश और सिनेमा जगत से लेकर स्थानीय खबरों के लिए सबसे तेज न्यूज सबसे पहले आप तक, तो जरूर लाइक करें हमारे चैनल को। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।